ओवरऑल अच्छा रहा मैच, आई थिंक नॉट मी, मेरी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आई थिंक सबकी एफर्ट है उसमें कि हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं इतने चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं कि आपने टीम में कितना स्मार्ट रहना है, तो एटलीस्ट गोलन शॉट और पीसी ले रहे हैं, अच्छे पासिस खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दैन नेक्स्ट हमारे पे आता है जो पुश कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, दैन फ्लिक कर आता है, तो बहुत अच्छा रहा है गेम सर ओवरऑल, और टीम का एफर्ट बहुत अच्छा था। चूप का अगर देखें मैच का स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त था, डेफिनेटली आपके सामने हमारी यंग साइड है, मगर मैं समझता हूँ कि जो अंपायर ने फर्स्ट डिसीजन दिया है, जो पहला पेनल्टी कॉर्नर हुआ है, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, हाथ से लिया, और हाथ जो है वो आजकल इस हॉकी से ले सकते, दूसरे अंपायर ने भी उसको किया कि ये जो है, खैर लूजर जो है वो ऑलवेज सर्चिंग फॉर द मिस्टेक्स, बट ये है कि हमारी टीम जो है वो अच्छा स्टार्ट लिया, मगर जब भी वो स्ट्रक्चर में रहकर खेली है वेरी गुड, जब इंडिविजुअलिज्म आया है तो डेफिनेटली इंडिया का काउंटर अटैक बड़ा तगड़ा है, और डिफरेंस मेरे आपके सामने यहाँ तीन गोल हमें शॉट कॉर्नर के में, इंडिया का शॉट कॉर्नर इस पर वर्ल्ड का बेस्ट है, और गोलकीपर भी जो है आपके सामने उसने तीन यकीनी गोल रोके हैं, दोनों ही गोल के ऊपर जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं, यही चीज़ का डिफरेंस था दोनों टीमों में। बिल्कुल, और यहाँ से आपकी टीम को कैसे देखते हैं एशियन गेम्स का अगला कड़ा मुकाबला? जी बिल्कुल, एशियन गेम से पहले जो है, क्योंकि ये 8 महीने के बाद हमारा कोई टूर्नामेंट हमारी टीम खेली है इंटरनेशनली, तो डेफिनेटली कि हमें यहाँ से ये है कि इंडिया और जापानीज दोनों के साथ मौका मिला है जो हमारे पूल में है, तो वो डेफिनेटली जो है एशियन गेम में जो है हम पूरी जो है वो जो जितना हमें टाइम मिलेगा ओवरकम करेंगे हम अपनी गलतियों को, और इंशाल्लाह आई होप कि एशियन गेम में हम जो है वो सेमीफाइनल के लिए फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे।